नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। नई दिल्ली में पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की मांगी इजाजत। मुंबई में हमले के बाद केंद्रीय गृह सचिव से मिलने की रीत सुमैया। महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री को बताया सीयूईटी के फायदे। सीएम स्टालिन ने जताई थी आपत्ति। भारत में कोरोना से फिर बजने लगी खतरे की घंटी। कई राज्यों में बढ़ गए संक्रमण के मामले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई दिल्ली में स्लोवेनियाई में के विदेश मंत्री से की मुलाकात। कोरोना महामारी के बाद भी भारत ने कृषि निर्यात में 50 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर को छुआ। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा निलंबित किए। छात्रों को लेकर चीनी उदासीनता के बाद सरकार ने उठाया सख्त कदम। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा देश की ताकत में योगदान दे रही खेल शक्ति। देश के कई राज्यों में 5 बरस पुरानी है बिजली संकट की कहानी। संयंत्रों की निगरानी भगवान भरोसे। समय के साथ बढ़ती गई ये समस्या। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पाकर अभिभीत हुए पीएम मोदी। कहा दीदी ने सभी भाषाओं में गाकर पूरे देश को एक सुर में पिरोने का किया काम। असम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत। पीएम मोदी ने सीएम हिमंत विश्व शर्मा को दी बधाई। कांग्रेस का दावा पीएम मोदी ने भाषण से निराश है। जम्मू कश्मीर के लोग पीएम ने नहीं किया राज्य का दर्जा या विधानसभा चुनावों का जिक्र। अटारी बॉर्डर पर करीब 700 करोड़ रुपए की 102 किलो हीरोइन जब्त। मुलेठी की खेप से बरामद। हनुमान चालीसा विवाद में आम आदमी पार्टी ने भी मारी एंट्री। ट्विटर को बनाया मंच। शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान अब अपने बेहतर कामों को करेंगे साझा। यूजीसी ने उठाए एक और अहम कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर किया उनको नमन। अमेठी में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन लंगड़ा। एसओजी टीम और बदमाशों में हुई मुठभेड़। स्कॉर्पियो सवार 6 बदमाश गिरफ्तार। देवरिया में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। भूखी महिला को खाना खिलाकर सुनी फरिया। एटा में सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन अलर्ट। नगर प्रभारी ने किया पैदल मार्च। फिरोजाबाद में खेत का विवाद बना मौत की वजह। दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक की हत्या।
गाजियाबाद में राष्ट्र सेविका समिति की पदयात्रा, हाथों में लाठी थाम कर दिया संदेश। रायबरेली में वर्दीधारी की दबंगई आई सामने, घर में घुसकर लाठी डंडों से किया हमला, खूनी संघर्ष में 9 लोग घायल। सीतापुर में बाबा बजरंग मुनि का बड़ा ऐलान, न्याय के लिए सीएम आवास तक करेंगे पदयात्रा। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने दबंगई करते हुए गाड़ी की चाबी निकालकर डॉक्टर से लूटे 12,000 रुपए। बहराइच में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना, पति के ही पत्नी की हत्या। अलीगढ़ में त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने की तैयारियां पूरी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के स्वास्थ्य में आंशिक सुधार, लखनऊ में चल रहा इलाज। मेरठ में मामूली विवाद में पत्नी की गर्दन काटकर हत्या, पति ने थाने पहुंचकर जुर्म किया कबूल। मुर्तजा को गोरखपुर से लखनऊ ले गई एटीएस, विशेष कोर्ट में पेश। पुत्रवधु के भवन पर चला बुलडोजर तो पूर्व विधायक ने लखनऊ में डाला डेरा, सपा के प्रतिनिधि मंडल पर उठे सवाल। जमीन बेचकर जमीन खरीदने के चक्कर में गवाए 85 लाख, अब दर दर भटकने को मजबूर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर किया उनको नमन। लखनऊ में आईसीएसई परीक्षा में बिना मास्क और सैनिटाइजर के पहुंचे तो केंद्र में नहीं मिलेगा प्रवेश। गाजियाबाद में दरोगा की दबंगई, किराया मांगने पर बस के परिचालक को पहले पीटा फिर किया अपहरण। गोरखपुर में छोटे कारोबारियों को निगल रही महंगाई, कच्चे माल की कीमतें बढ़ी तो आधा हो गया कारोबार। ७५,००० किसानों की सफलता की कहानी लिखेगा कानपुर का अटारी, एक बदलाव के लिए किया आय में इजाफा। गोरखपुर में नदी में मिला युवक युवती का शव, हत्या की आशंका। पुलिस के हाथ एक और सुराग, लाखों की है शुभम की लखनऊ वाली कोठी। पीलीभीत में नियंत्रित कार ने 3 को रौंदा, 2 की हालत गंभीर। गोरखनाथ मंदिर में अंदर किया गया लाउडस्पीकर का मुंह, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंदिर प्रबंधन ने की कार्रवाई। अमेठी में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, एसओजी प्रभारी के हाथ में लगी गोली।
गोरखनाथ मंदिर में योगी के निर्देश का असर, बाहर से अंदर किए गए लाउडस्पीकर मानक से भी कम की गई आवाज। प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड में इकलौते बचे सदस्य ने पत्नी के आशिक पर जताया शक, कहा दीदी हत्या की धमकी। सीएम योगी से मिले राजपाल यादव और निरहुआ आजमगढ़ के मुद्दे पर सौंपा मास्टर प्लान। फिरोजाबाद में कारतूस सप्लायर ने उगले राज, कई वर्षों से दे रहा था सप्लाई, आरोपी के पिता की है शस्त्र की दुकान। कोटद्वार में मॉर्निंग वॉक के लिए पुलिसकर्मी पर हाथी ने किया हमला, उतारा मौत के घाट। ऋषिकेश में सड़क पर घूमता नजर आया एक दंत गजराज, लोगों ने हॉर्न बजाया तो दिया रास्ता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों ने इशारों में बताए नाम, अब भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई करेगी भाजपा। देहरादून में एक बार फिर बढ़ी चिंता, दो महीनों में सर्वाधिक दर पर कोरोना संक्रमण। देहरादून में चंपावत उपचुनाव को लेकर भाजपा की चुनाव संचालन समिति घोषित, कैलाश गहतोड़ी चुनाव संयोजक। देहरादून में नेतृत्व परिवर्तन के बाद बदली रणनीति पर आगे बढ़ रही कांग्रेस, जन सरोकार के मुद्दों पर साथ होगी खड़ी। मोदी ऐप के जरिए समाज के हर वर्ग को जोड़ेगी भाजपा, ऋषिकेश में पार्टी पदाधिकारियों ने सदस्यों को दी जानकारी। यशपाल आर्य ने धन सिंह रावत की इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर दागे सवाल, कहा खुलेआम संविधान का अपमान नहीं कर सकते। बच्चों की परिवहन सुविधा और सुरक्षा पर सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट, गुम निजी स्कूलों के खिलाफ की गई थी टिप्पणी। दिल्ली रोड पर तेज रफ्तार कार ने चेतक को मारी टक्कर, कांस्टेबल समेत दो घायल, गंभीर हालत में ऋषिकेश एम्स किया गया रेफर। श्रीनगर में दीक्षांत परेड के साथ 278 नौरक्षी एसएसबी में विधिवत शामिल, मुख्यमंत्री धामी ने ली परेड की सलामी। देहरादून में हेमवती नंदन बहुगुणा जयंती में मुख्यमंत्री धामी ने हिमालय पुत्र की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, कहा ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे बहुगुणा। देहरादून में जाली नोट चलाने वाले दोषियों को 4-4 साल की कैद, अदालत ने जमानत की निरस्त। हल्द्वानी में घर बनाना हुआ और महंगा, सीमेंट सरिया ईंट के साथ निर्माण में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के दाम बढ़े। हल्द्वानी में आरटीओ के रिकॉर्ड में दौड़ रही 30 साल पुरानी अनफिट स्कूल बसें। इस्लामाबाद में सत्ता से बाहर जाने के बाद देश भर में इमरान खान की रैलियां जारी, 10 मई को मुल्तान में करेंगे जनसभा। चीन में 18,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले, जीरो कोविड नीति पर उठने लगे हैं सवाल।
भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश, SIPRI ने जारी की रिपोर्ट। सिंगापुर में लौटे कोरोना से पहले वाले दिन SIA के ऐलान से भारतीय यात्रियों को होगा फायदा। इस्लामाबाद में पाक वित्त मंत्री ने कहा इमरान ने अर्थव्यवस्था को सब्सिडी जाल में फंसाया। श्रीलंका में सड़कों पर जनसैलाब, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास का किया घेराव, राजक्षेप ने इस्तीफे की मांग। इमैनुअल मैक्रो फिर चुने गए फ्रांस के राष्ट्रपति। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। मैक्रो की जीत के विरोध में पेरिस में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन सवार पर फ्रांसीसी पुलिस ने की फायरिंग, दो लोगों की मौत। दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए फ्रांस के राष्ट्रपति। मैक्रों को विश्व भर में नेताओं ने दी बधाई। अफगानिस्तान में बच्चों के साथ हो रही हिंसा पर यूनिसेफ ने जताई चिंता। यूनिसेफ ने ट्वीट कर कहा शिक्षकों के लिए 2 महीने की आपातकालीन नकद सहायता दिया जा रहा है। नई दिल्ली के गौतम अडानी बने दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स, 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी है काबिज। नई दिल्ली में बेहतर मुनाफे के लिए फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट्स में कीजिए हाइड्रोस्पाइड निवेश। नई दिल्ली में 1857 के सिपाही विद्रोह से है इनकम टैक्स का कनेक्शन। जेम्स विलियमसन ने 1860 में की थी भारत में इनकम टैक्स लगाने की शुरुआत। नई दिल्ली में 26 अप्रैल से खुल रहा है कैंपस शूज बनाने वाली कंपनी का IPO। इसका प्राइस बैंड है 278 रुपए से 292 रुपए प्रति शेयर तक तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख का निर्मात, कंपनी की नहीं चलेगी मनमानी, देनी होगी भरपाई। सोने चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट, 1000 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई सिल्वर, दोनों ही कीमतें धातुओं के दाम में देखी जा रही है गिरावट। नई दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है ग्राहकों को बड़ी छूट, केवल 30 जून 2022 तक उठा सकते हैं फायदा। 30 जून के बाद होम लोन के लिए ब्याज की रेगुलर दरें होंगी। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, निफ्टी 1,09,950 के नीचे सेंसेक्स तोड़ा 57,000 का लेवल। एशियाई बाजारों की कमजोरी का असर घरेलू शेयर बाजार पर देखा गया। गुम हो गया है NSC सर्टिफिकेट तो परेशान ना हो, पोस्ट ऑफिस में पाए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। स्किम में करीब 6.8% के रेट से मिलता है ब्याज दर। दक्षिण कोरियाई एयरलाइन भारत के लिए विमान संचालन फिर से करेगा शुरू। मई से सिडनी और लॉस एंजलस के मार्गों पर उड़ानों की संख्या का भी होगा विस्तार। रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा, गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी से हुई हार। मुंबई में पूर्व तेज गेंदबाज राजेश वर्मा का हार्ट अटैक से निधन, 2006-07 में रणजी विजेता की टीम में थे। सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में शोएब अख्तर और डेल स्टेशन से ज्यादा की थी गेंदबाजी, फेंके थे इतने ओवर।
इंडिया में नवंबर 4 को लेकर इरफान पठान ने सुझाया इस क्रिकेटर का नाम, कहा ये उनका नया वर्जन है। बाबर आजम को लेकर हरभजन ने दी प्रतिक्रिया, कहा टॉप 4 में शामिल करना अभी भी जल्दबाजी। मुंबई को मिली लगातार 8वीं हार, केएल राहुल के सामने रोहित शर्मा हुए फ्लॉप। जीत के बाद केएल राहुल को लगा झटका, स्लो ओवर रेट के कारण भारी जुर्माना। आईपीएल 2022 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बनी रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, लगातार 8 मैचों में मिली हार। केएल राहुल ने गेल वार्नर कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। केएल राहुल ने मुंबई के खिलाफ लगाया आईपीएल 2022 का दूसरा शतक, दोनों मैचों में बनाए नाबाद 103 रन। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर करेंगी बॉलीवुड में एंट्री, डेब्यू को लेकर सामने आई खबरें। शादी के बंधन में बंधी इंडियन आइडल 12 फेम सायली कांबले, पति संग सिंगर की वायरल हुई खूबसूरत तस्वीर। हीरोपंती 2 की रिलीज से पहले ही ट्रेंड हुआ डायलॉग, छोटी बच्ची हो क्या, फैंस दे रहे हैं ऐसा रिएक्शन। करण जौहर ने नेटफ्लिक्स के हेड बेला बजरिया के लिए होस्ट की डिनर पार्टी, पहुंचे कई फिल्म सितारे। भारती सिंह ने शेयर की बेटे के साथ पहली तस्वीर, बेबी को लाड करते हुए कॉमेडियन बोली लाइफलाइन। केजीएफ 2 की सुनामी में उड़ी जर्सी, पहले वीकेंड पर केजीएफ ने 2 से 25 करोड़ और जर्सी ने सिर्फ करोड़ कमाए। सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल से बाहर हो गए थे अरिजीत सिंह, फिर बन गए बेहतरीन गायक। गांधी ने मुंबई पुलिस पर लगाया अपमानित करने का आरोप, कहा मुझे कंधे से पकड़ कर खींचो। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीर हुई वायरल, परिवार के साथ किया एंजॉय। आचार्य के प्री रिलीज इवेंट में चिरंजीवी रामचरण का जलवा, राजा मौली ने भी की शिरकत। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो